हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का अपने चैनल ABS किचन रूम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ भेज पपेटिस की रेसिपी। तो दोस्तों, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो भेज पेटिस बनाने के लिए सबसे पहले सामग्री मैं ले रही हूँ मैदा। तो दोस्तों, अब इसमें हम मिला लेंगे नमक। नमक को डालकर अच्छे से मिला लेना है। और अब इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ रिफाइंड तेल। तेल को डालकर हाथों की मदद से अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो तेल है वो मैदे पर अच्छे से लग जाए। और इसे जब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि हाथों में डो ना पकड़ाने लगे। तो दोस्तों, डो पकड़ाने लगा है। तो अब इसमें हम पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। तो धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए आटा गूंथ लेना है। तो दोस्तों, मैंने आटा तैयार कर लिया है और अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जब तक कि 10 मिनट होता है आगे का स्टेप देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बाउल, इसमें ऐड कर ले रही हूँ मैदा। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे रिफाइंड तेल और अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। तो दोस्तों, चम्मच से फेंटते हुए घोल तैयार कर लेना है। तो इस तरह का घोल आपको तैयार कर लेना है। तो अब इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। आगे के स्टेप में मैंने लिया है कढ़ाही। कढ़ाही में डाल रही हूँ रिफाइंड तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ दोस्तों। और अब इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ जीरा। जीरा डालकर इसे थोड़ा चला लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे थोड़ा चलाएंगे दोस्तों। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। साथ ही इसमें मिला लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को डालकर अच्छे से मिला लेना है और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो दोस्तों, इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो मैंने इसमें कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी ऐड कर लिया है और इसे चला लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, इसे भी डालकर चला लेंगे दोस्तों। तो मैंने इसे चला लिया। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू। तो दोस्तों, आलू को मैंने उबालकर हल्का सा हाथों से इस तरह से तोड़ लिया है। तो उसे यहाँ पर मिला लेंगे। तो मैंने इसे मिला लिया। साथ ही इसमें ऐड कर ली चिली फ्लेक्स। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे सोया सॉस। साथ ही इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। और अब इसमें मैं मिला लूँगी रेड चिली सॉस। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे नींबू का रस। तो दोस्तों, पूरे एक नींबू का रस इसमें डाल लेना है। तो मैंने डाल लिया। आगे इसमें मैं मिला ले रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इन सभी को डालकर अच्छे से मिला लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तैयार हो गया। तो चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। और साथ ही 10 मिनट हो गया है तो चलिए आटा देख लेते हैं। तो दोस्तों, आटा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो हाथों से हल्का चला लेंगे, इसे इस तरह से मिला लेना है। और फिर इसका अब हम लोई बनाएंगे। तो इस तरह से लोई तैयार कर लेना है दोस्तों। इस तरह का लड्डू के आकार का लोई तैयार कर लेंगे। तो मैंने सभी लोई को तैयार कर लिया है और हथेली की मदद से इस तरह से चपटा कर लेना है। तो सभी लोइयों को हम चपटा कर लेंगे। और अब हम एक लोई लेंगे और इसे सूखे आटे पे लगाएंगे। और अब इसे हम बेल लेंगे। तो दोस्तों, इसे पतला बेल लेना है। सभी को बेलकर हम तैयार कर लेंगे। और आगे के स्टेप में हम इस तरह से जो मिश्रण तैयार किए थे उसे पूरे पे लगा देंगे। तो ब्रश की मदद से पूरे पे अच्छे से ब्रशिंग कर लेना है। तो मैंने इसे लगा लिया। और अब इसके ऊपर हम सूखा मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे। और ऊपर से फिर हम जो दूसरा बेले हैं उसे लगाएंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। वो मिश्रण अच्छे से इस पे लगा लेंगे और फिर सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें चार लेयर तैयार कर लेना है। तो मैंने चार लेयर तैयार कर लिया है। और ऊपर से भी अब हम सेम प्रोसेस करेंगे दोस्तों। वापस से हम ब्रश की मदद से उस मिश्रण को लगाएंगे और ऊपर से थोड़ा मैदा डस्ट कर देंगे दोस्तों। आगे अब इसे हम रोल करेंगे। तो इस तरह से पकड़ते हुए इसे रोल कर लेना है। तो ये रोल हो गया है। अब इसे हम चाकू की मदद से पीसेस में काट लेंगे।
तो इस तरह से पीसेज में काट लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह का, और अब इसे हम उंगलियों की मदद से प्रेस कर देंगे। तो मैंने प्रेस कर लिया, और अब इस पे हम थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे और इसे पतला बेल देंगे। तो दबाते हुए अच्छे से पतला बेल लेना है। तो मैंने बेल लिया, अब इसे हम चाकू की मदद से जो किनारे का हिस्सा है उसे काट लेंगे इस तरह से। तो चारों कोनों को काट कर अलग कर लेना है। और अब इस पे हम जो आलू का मिश्रण बनाए थे और सब्जियों का मिश्रण उसे डाल लेंगे, और किनारे वाले हिस्से पे हम जो मैदा का घोल तैयार किए थे उसे ब्रश की मदद से लगा लेंगे। तो चारों कोने पे अच्छे से लगा लेना है, और अब एक कोने से पकड़कर अब इसे हम पैक करेंगे। तो इस तरह से पकड़कर मोड़ देना है और सभी कोनों को प्रेस करके अच्छे से पैक कर देना है। तो दोस्तों ये पैक हो गया। तो इसी तरह से हमें सभी पेटीज को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों मैंने तैयार कर लिया, आगे के स्टेप में हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ली हूँ कड़ाही, कड़ाही में है रिफाइंड तेल। तेल को अच्छे से गरम कर ली हूँ दोस्तों, और गैस को कर ली हूँ मीडियम लो फ्लेम में। और अब इसमें हम फ्राई होने के लिए पेटीज को डाल दे रहे हैं, और इस तरह से हल्का तेल ऊपर डाल देने से ये सभी तरफ से अच्छे से पक जाता है और खिल भी जाता है। इसमें बहुत अच्छा परत भी आता है दोस्तों, और ये बहुत क्रिस्पी बनता है। तो इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। तो दोस्तों इसमें गोल्डन कलर आ गया था तो मैंने इसे पलट लिया, और इसे हम सभी तरफ से अच्छे से पकाएंगे। तो दोस्तों ये सभी तरफ से अच्छे से पक गया है, तो चलिए तेल को छानकर इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया। इसी तरह से सभी पेटीज को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों तैयार है इजी भेज पेटीज की रेसिपी। तो दोस्तों आज जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।